क्या बरेली में नहीं हो पाएगा अभिनेत्री स्वरा भास्कर और फहद अहमद की शादी का रिसेप्शन? हिंदू नेताओं को बेहद बुरी लग रही है दोनों की शादी, एक बयान से मची खलबली। कौन कराएगा अभिनेत्री स्वरा भास्कर की घर वापसी? मुस्लिम नेता से शादी करने पर मचा सियासी घमासान। इस कट्टर हिंदुवादी नेता ने दोनों को लेकर कर दी भविष्यवाणी, ऐसा होने वाला है इन दोनों का भविष्य। बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल स्वरा भास्कर ने जैसे ही सपा नेता फहद अहमद से शादी की, वैसे ही राजनीतिक पारा गर्म हो गया। तरह तरह के बयान सामने आने लगे। एक कट्टर हिंदुवादी नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। यही नहीं, उन्होंने इन दोनों प्रेमी जोड़ों पर भविष्यवाणी भी कर दी है। तो सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि हिंदू मुस्लिम में हुई शादी से बीजेपी के कुछ नेता बेहद परेशान हो गए हैं। स्वरा भास्कर की शादी लोगों को रास नहीं आ रही। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो कौन नेता है जिन्होंने इन दोनों पर इतनी बड़ी बात कह दी है, और ये भी बताएंगे कि सीएम योगी के राज में इन दोनों का रिसेप्शन हो पाएगा या नहीं, और कब इन दोनों का रिसेप्शन है और निकाह ये दोनों प्रेमी जोड़े कहां करेंगे, क्योंकि मुस्लिम शादियों में कोर्ट मैरिज होने से शरई तौर पर शादी नहीं मानी जाती। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा हुआ है और अब निकाह की तारीख भी तय हो गई है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या स्वरा भास्कर मुस्लिम हो गई? इन्होंने क्या हिंदू धर्म छोड़ दिया? चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं। बीते दिनों फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और फहद अहमद ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद दोनों कोर्ट परिसर के बाहर निकलते ही डांस करते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। कुछ लोगों ने उनको नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी थी, तो कुछ लोगों को ये शादी अच्छी नहीं लगी थी। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया। अक्सर अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर और फहद की शादी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बरेली के बहेड़ी के मूल निवासी महाराष्ट्र सपा यूथ विंग के अध्यक्ष फहद अहमद और फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शादी पर दो टूक कहा कि अभिनेत्री को श्रद्धा के फ्रिज में रखे 35 टुकड़े याद रखने चाहिए। जब बेटियां इस तरह का कदम उठाती हैं, तब वो कभी सूटकेस तो कभी बोरे में मिलती हैं। साध्वी ने आगे कहा कि आईएएस टीना डाबी ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा, अगर स्वरा भास्कर में जरा भी संस्कार बचे होंगे तो वो जल्द घर वापसी करेंगी। साध्वी प्राची रविवार को आंवला के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में हुए महिला समन्वय सम्मेलन में शामिल होने गई थी। उन्होंने लोगों से बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दिलाने की अपील की और कहा कि अब सनातनियों को अपनी बेटियों को अस्त्र शस्त्र चलाने की भी शिक्षा देनी होगी, बेटियों को स्वावलंबी बनाए, महापुरुषों के चरित्र को जीवन में उतारना होगा। वहीं पहेड़ी के नवनिवाहित जोड़े के रिसेप्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिसोर्ट बुक कर लिया गया है, रिसेप्शन की तिथि भी सामने आ गई है, 19 मार्च को रिसेप्शन होना है। साध्वी प्राची ने इस मौके पर जनसंख्या नियंत्रण पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश को जनसंख्या नियंत्रण समान नागरिक संहिता कानून की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 5 साल में भारत फिर से अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। साध्वी प्राची ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बरेली में दिए उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने सभी भारतवंशियों के पूर्वजों को हिंदू बताया था। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने रविवार को बरेली में कहा था कि जाति का भेदभाव छोड़िए, हर भारतीय के पूर्वज हिंदू थे। उनकी बातचीत करते रहिए। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर बरेली की बहू बनी है। उनके पति फहद अहमद बरेली के बहेड़ी के रहने वाले हैं। दोनों ने हाल ही में शादी की थी, लेकिन इस शादी को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए 16 मार्च को दिल्ली के साकेत में एक होटल में सार्वजनिक तौर पर निकाह होगा। 19 मार्च को बरेली के बहेड़ी में पैतृक निवास पर दावत वलीमा यानी की रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। फहद अहमद बहेड़ी में इस्लाम नगर मोहल्ले में रहते हैं। वो कांग्रेस नेता और समाज सेवी जरदार अहमद के बेटे हैं। फहद वर्तमान में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिलहाल मुंबई में ही रहते हैं। बहेड़ी में भी उनका पैतृक घर मौजूद है। रिसेप्शन के लिए बहेड़ी के निर्वाणा रिसोर्ट को बुक किया गया है। फहद के पिता जरदार अहमद ने मीडिया को बताया कि 16 मार्च को दिल्ली के निकाह करने के बाद 17 मार्च को बेटा बहू बहेड़ी आ जाएंगे, जिसके बाद 19 मार्च को रिसेप्शन होगा।